Hello, Mr. JD. How are you? How are you? What do you mean by this? You are speaking English with me? नहीं मैं कहा आप एक बात नहीं आप मुझे बता आप बगैर वर्क के अंग्रेजी बोल सकते हैं नहीं मैं नहीं बोल सकता मैं बोल सकता हूँ बोलिए जी हाँ आपको मैं बताऊँ आप क्या समझते हैं अपने आप को एक दफा मैं गया था यूरोप में मैंने कांग्रेस से अंग्रेजी बोली मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा हैरान हो गया आधे घंटे बाद बोला सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच आज तो मोइन साहब बड़ा यादगार मौका है आज टीवी को 17 साल हो चुके हैं लाहौल अरे आप कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं जेदी साहब 20 साल हो गए हैं नहीं 17 साल हो गए मैंने हिसाब लगाया मैं मैथमेटिशियन हूँ उफ मेरे खुदा आप क्या क्या हैं आप मैथ कैसे अरे मैंने हिसाब लगाया क्या बात कर रहे हैं 20 साल देखिए मैं आपको बताऊं एक बात सुनो हाँ बताएं आप हिसाब लगा ले मैंने तो सारा हिसाब लगाया ना हाँ देखिए जो टीवी के प्रोग्राम होते हैं आपको मालूम है ना हाँ है। उसके अंदर कोई फनी खराबी भी हो जाती है भाई देखे ना इंजीनियर हो ही जाते हैं ना कुछ गड़बड़ चाय पीने चले गए पीछे फनी खराबी हो गई है ना कभी बिजली की कमी बेशी हो जाती है तो उसमें एक इंतजार फरमाइए आता है देखा होगा आपने इंतजार फरमाइए मैंने सारा हिसाब लगाया टाइमिंग का जितने मिनट थे जितने थे 3 साल का हिसाब लगा 3 साल नशरियात नहीं हुई इस तरह 17 साल चलिए लाहौर से वैसे एक बात मैं आपको बताऊं अरे आप बोलते बहुत हैं छोड़े क्या हुआ बात नहीं करने देते बीच में बोले आते भाई मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा चले आते भी हाँ पता है क्या हुआ कैसे मुझे लिखने ना लिखने से फर्क ही नहीं पड़ता क्यों है? मैं टीवी पे मुशीर हो गया हूँ ना एडवाइजर हाँ आप कैसी नहीं अंकल सही कह रहा हूँ मैं कैसे मशहूर हो गया मैं एडवाइजर हो गया हूँ टीवी में मुझे बुलाया था हेडक्वार्टर में कहने मिस्टर जेदी आप मशवरे दिए सारे मशवरे मैं ही दे रहा हूँ अब तो हाँ मैंने मशवरा दिया था ये शुरू करें हशरियाती राबता अरे भाई नहीं नहीं जेदी साहब आप गलत कह रहे हैं हशरियाती नहीं नशरियाती राबता अरे छोड़े यार आपको ग्रामर नहीं आती कमाल है आपको ग्रामर नहीं आती नशरियाती कभी अकेला नहीं होता नशर अकेला नहीं आता हशर नशर आता है देखें आप देखें जहाँ नशर है वहाँ हशर है हाँ। समझ रहे आप बंदा बशर है जी तो होता यह है कि जब टीवी वाले चाहते ना किसी प्रोग्राम का हशर कर दें तो उसको दिखाते हशरियाती रास्ते पर हैं तो फनी खराबी तो होती है ना बीच में फिर बंदा बशर है हशर नशर है तो फनी खराबी हो जाती है प्रोग्राम का टेम्पू टूट जाता है सारा तसलसल टूट जाता है ये हो जाता है हशरियाती रास्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं तो कल मैं आपको बताता हूँ ये जो ना हमारे क्या हो गया क्या बदतमीजी ये मेरी आदत है तो पता क्या हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद इसार हुसैन साहब वो भी मुझसे मशवरे लेते रहते हैं अच्छा हाँ मुझे बुलाया एक दिन मैं आया बड़े परेशान ऐसे परेशान बालों में हाथ फेर रहे थे बड़ी दूर तक परेशान इतने इतने परेशान मैंने कहा क्या हो गया निसार साहब कहने मिस्टर जेदी मैं बड़ा परेशान हूँ कुछ बताएं मैं क्या करूँ मैंने कहा क्या हो गया कहने मैंने ड्रामा 84 लिखवाया था इस राइटर से स्क्रिप्ट छोटा पड़ गया आधे घंटे का मैं क्या करूँ मैं कह लो जी गाली कोई नहीं मैंने मशवरा दिया मैंने कहा अंकल आप ऐसा करें कराची से तलत हुसैन को बुला लें जी हाँ पता है क्या हुआ फिर पता है क्या हुआ उन्होंने अंकल जो है ना अंकल निसार हुसैन उन्होंने तलत हुसैन साहब को वहां से बुला लिया कास्ट कर लिया हीरो ले लिया आधे घंटे के ड्रामा 2 घंटे में हुआ हमारे जो है ना तलत हुसैन साहब मुस्कुराने में 15 मिनट लेते हाँ पता क्या हुआ एक दफा इनके ड्रामे का एक शॉट दिखा रहे थे एक्शन रीप्ले हो रहा था क्या हो रहा था एक्शन रीप्ले हाँ ये एक्शन रीप्ले हो रहा था स्लो मोशन में शॉट ये था कि ये सिगरेट सुलगाते हैं कस लेते हैं जब शॉट आया ना ऑन एयर है 5 बजे सिगरेट सुलगाया था खबरनामे के बाद कस लिया ऐसे ही आर्टिस्ट अरे अंकल एक बात बताओ मुझे खबरनामे पे याद आ गया क्या हो गया क्या यार दूसरे की टाई ऐसे कर रहे मैं और भी वाकया सुनाऊं आपको बड़ा मुझसे मशवरे लिए लेकिन ठहरे आप रहने दें इतने ढेर लोग हैं बारी किसी की नहीं आएगी काम की बात नहीं हो सकेगी प्रोग्राम रूबरू हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया आप बैठ जाइए